नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास चर्चा सवाल तो पूछेगी। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में इन दिनों दो अहम बातें हैं जो चर्चा का विषय बनी हैं, एक कोरोना तो दूसरी तरफ यहां होने वाले उपचुनाव। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने किलेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी के लिए ये उपचुनाव बड़ी चुनौती के तौर पर सामने है, क्योंकि 24 में से 23 सीटों पर कांग्रेस काबिज रही। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर जीत को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपचुनाव वाली दो दर्जन सीटों में से 22 सीटें वो हैं जहां से चुने गए कांग्रेस विधायकों ने सामूहिक तौर पर कमलनाथ सरकार के खिलाफ असंतोष जताते हुए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब 22 पूर्व विधायक बीजेपी में हैं। कांग्रेस अब किस तरह से, किस रणनीति के साथ मैदान में उतरती है इन 24 सीटों पर, किसकी क्या तैयारी है, इस विषय पर करेंगे चर्चा। पर इससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। राज्यसभा सीटों पर है चुनाव। चौबीस सीटों पर होना है उपचुनाव। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। मुख्यमंत्री ने इंदौर और रायसेन में कार्यकर्ताओं से की है मुलाकात। मुख्यमंत्री ने ली मंगलवार को बैठक और किया चुनाव प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में हो रहे हैं शामिल। चौबीस के खेल में किसकी शह, किसकी होगी मात। बीजेपी के लिए ग्वालियर चंबल में कितनी चुनौती। कांग्रेस तलाश रही उम्मीदवार का चेहरा। मध्यप्रदेश में 24 उपचुनाव कब होंगे, इसकी तारीख को लेकर चुनाव आयोग ने अब तक किसी तरह की कोई स्थिति साफ नहीं की। बावजूद इसके दोनों ही पार्टियों में चुनावी तैयारी जोरों पर है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय में बैठक की और चुनाव प्रबंध कार्यालय का शुभारंभ किया। बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थन में कार्यकर्ताओं की बैठक ले चुके हैं। वहीं सोमवार को रायसेन में प्रभुराम चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में जाकर उपचुनाव की तैयारियों पर सरगर्मी भी बढ़ा दी है। भाजपा की तैयारी को देखकर विपक्ष भी तैयारियों में जुटा हुआ है। 24 सीटों के जो चुनाव मध्य प्रदेश में होना है, वहाँ पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ताओं से पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगणों का संपर्क अभियान हो चुका है। बैठकें हो रही हैं और बड़ी मजबूती और ताकत के साथ समर्थन भी मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे साथ माननीय पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय सिंधिया जी के साथ आने से पार्टी की ताकत, वहाँ जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। विपक्षी मित्र कांग्रेस के जो जिस तरह का अफवाह फैला के उनको प्रत्याशी ढूंढने में दिक्कत आ रही, और हम निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यसभा और प्रदेश में होने वाले 24 सीटों पर उपचुनाव की रणनीति बनाने को लेकर 17 जून को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस विधायकों की बैठक पूर्व सीएम के सरकारी निवास पर आयोजित होना बताया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस विधायक सहित मध्य प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी हिस्सा लेंगे। बैठक में 19 जून को राज्यसभा चुनाव के मतदान को लेकर भी चर्चा होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक सभी कांग्रेस विधायकों से 1-on-1 चर्चा भी करेंगे। देखिए, विधायक दल की बैठक स्वाभाविक रूप से जब विधानसभा होती है, कोई चुनाव होते हैं, तो वो परंपराएं हैं, तो उसके पहले हर दल का अपने सदस्यों की बैठक रखते हैं। उसी परंपरा में कांग्रेस की भी बैठक है, और बैठक होती है तो स्वाभाविक रूप से
चुनाव है तो चुनाव के ऊपर से, उसकी तरबियत के ऊपर से, उसकी व्यवस्थाओं के, उस पर नियम प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में विचार विमर्श होता है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दिशाएं बिछाई जाने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद चंबल ग्वालियर संभाग में दोबारा से अपना सियासी किला मजबूत करना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं भाजपा ने विधानसभा सीटों के प्रभारियों और उपचुनाव के लिए संचालन समिति और प्रबंध समिति का गठन कर बैठक भी ले ली है। भाजपा संगठन के लिए सिंधिया समर्थकों के साथ सामंजस्य बना पाना भी किसी चुनौती से कम नहीं माना जा रहा। प्रदेश में चुनावी बिसात पिछले के साथ ही दोनों ही दल इस बात में लगे हैं कि उपचुनाव में 24 सीटों को अपने अपने पाले में कैसे किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा इस चुनावी खेल में किसकी होगी शह और किसको मिलेगी मात। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN। तो मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात माना जा रहा है बीत चुकी है। अब शह और मात की कवायदे हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही हैं, किस तरह उपचुनाव में जो 24 सीटें हैं उसको अपने पाले में किया जाए। दोनों ही पार्टियां इस बात का भी दावा कर रही हैं कि 24 की 24 सीटें एक दल कहता है हमारी खेमे में आने वाली है, दूसरा दल भी उसकी जीत का दम भरता है। तो किसके खाते में जाएंगी ये 24 सीटें ये आने वाला वक्त बताएगा। पर इससे पहले चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ दो मेहमान शामिल हैं, उनसे परिचय करवाऊंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी से ब्रज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है ब्रज गोपाल लोया जी। कांग्रेस से ब्रजेश पांडे हैं, बहुत स्वागत है ब्रजेश पांडे जी आपका। शुरुआत ब्रजेश जी आपसे करेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं, प्रबंधन कार्यालय का, चुनाव प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ भी कर देते हैं। आपकी 17 जून को एक बैठक होने वाली है उपचुनाव के मद्देनज़र, हम समझना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर आपकी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आज आवाम के बीच, जनता जनार्दन के बीच ये तय करना है मध्य प्रदेश की उस लाखों जनता को जिनके सामने दो बातें सामने आ गई हैं कि मध्य प्रदेश में गद्दार कौन और जनता का रहनुमा कौन। अब लड़ाई इस मुद्दे, क्योंकि अच्छा खासा लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से चुनी हुई सरकार जब चुन करके विधानसभा में थी और मध्य प्रदेश के अंदर बहुमत के साथ अपनी सरकार श्री कमलनाथ जी चला रहे थे, तो उस ताने बाने के बीच में ये कांग्रेस के एक गुट को तोड़ के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के साथ मजाक किया है, घिनौना मजाक किया है, जनता के सामने कांग्रेस इस मुद्दे को लेके जाएगी। अभी तो राज्यसभा की सबसे पहले पायदान पे राज्यसभा है और राज्यसभा में हमारी कोशिश होगी कि हम अपने कम से कम दो राज्यसभा के सांसद जिता करके ले जाएं। यद्यपि संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया जी के 22 विधायकों का समर्थन मिलने से, जो 22 विधायक उनके सिंधिया जी के चले गए छोड़ के पार्टी से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो थोड़ा कांग्रेस से ज्यादा है, उनके पास 107 विधायक है। किंतु वर्तमान परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी के विधायक, उसके साथ साथ दो BSP के विधायक, 4 निर्दलीय के विधायक, 1 सपा के विधायक, इन वोटों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पर फिर भी सब शामिल हो जाते हैं ब्रजेश जी, सब शामिल हो जाते हैं तब भी क्या आप दूसरी सीट पर को जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि एक राज्यसभा सदस्य को जीतने के लिए कम से कम 52 वोटों की आवश्यकता पड़ेगी, 52 एमएलए होने चाहिए जी। और इस 52 एमएलए की गणित में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शिवराज सिंह जी की इस तानाशाहीपूर्ण रवैये से चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने से वो कांग्रेस के पक्ष में है। और आप समझिए कि कोरोना के संक्रमण काल में जब मध्य प्रदेश के माननीय स्पीकर NP प्रजापति जी ने विधानसभा को कुछ काल के लिए स्थगित किया था कोरोना के भयावह संक्रमण को देख करके, उधर आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर सब जो है वो लॉकडाउन लगाया, उसके पहले जिस तरह से भाजपा ने आनंद फानंद में सरकार बनाई कंस्पिरेंसी करके, ये सबसे दुखद विषय है। और जनता के बीच जब हम जाएंगे तो हम इन जन मुद्दों को उठाएंगे और जनता जानती है कि कैसे लोगों ने पद और पैसे के लालच में
और कांग्रेस चुनी हुई सरकार को गिराया, कैसे गद्दारी किया, ये सब चीजें जनता के बीच। इन चीजों को लेकर आप उपचुनाव की तैयारी पर हैं, इन चीजों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। राज्यसभा सीट क्या कहेंगे लोया जी? ब्रजेश जी का कहना है राज्यसभा की जो दो सीटें हैं उसमें दूसरी सीट भी उनको ये उनका ये मानना है कि दूसरी सीट भी उनके पाले में आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो गणित बताया है उससे लगता है उनका ये मानना है कि कुछ बीजेपी के विधायक भी उनको वोट करने वाले। मुझे जी देखो मैं एक बात आपको बताऊं, आज हालांकि राज्यसभा विषय नहीं है परंतु अगर चुनाव विषय चर्चा कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ब्रजेश जी ये बताएं कि वो जो एक जीत रहे हैं वो कौन जीतेगा, क्योंकि ये एक राजा को राज्यसभा में भेजने के लिए एक दलित नेता की जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है उसकी बलि चढ़ा रहे हैं और ये इनका चरित्र इस राज्यसभा चुनाव में उजागर होगा। ये अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि एक ही जीतना है कांग्रेस का, वो खुद बता रहे हैं कि 52 से एक जीतेगा और 92 ये है तो एक को 52 वोट मिलेंगे दूसरे के पास 40 बचेंगे, इसलिए दूसरी संभावना नहीं है। परंतु कांग्रेस का ये चरित्र कोई आज नहीं है, ये हमेशा से रहा है और इसी कारण कांग्रेस आज एक दुर्दशा की स्थिति में पहुंची है। अब चुनाव जिस मूल प्रश्न जो आप कर रही थी उपचुनाव का, तो उपचुनाव में जब आपकी बाइट चल रही थी तो मैं बाइट सुन रहा था, माननीय रामपाल सिंह जी इसमें बोल रहे थे और उनका ये कहना था कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा। इनकी अभी स्थिति ये है कि इनने भिन्न भिन्न विधानसभाओं में अलग अलग नेताओं को भेजने का प्रयास किया, कहीं अजय सिंह जी से कहा आप चले जाइए, कहीं अरुण यादव जी से कहा आप चले जाइए, इनके पास स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार नहीं है। ये बाहर से आयातित नेताओं को लाकर उनका चुनाव लड़ाना चाहते हैं और ये चुनाव में किस मुंह से जाना चाहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। दो संकट की बात हो रही थी आपने जहां से प्रारंभ की थी नुजत जी, कि एक कोरोना के संकट से मध्य प्रदेश चल रहा है और दूसरा उपचुनाव की चर्चा है। उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि कांग्रेस अपना कुनबा नहीं संभाल सकी और वो इसलिए नहीं संभाल सकी कि जो 971 वचन जनता को दिए थे, जब माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये कहा कि हम यदि सरकार इन वचनों को पूरा नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा, और एक अहंकारी नेता की तरह कमलनाथ जी ने जब ये कहा कि उन्हें सड़क पर उतरना है तो उतर जाएं, और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार सड़क से आ गई और जब ये सड़क पर आ गए तब ये यहाँ वहां कोसा ताशी ये सब बातें करने लगे, इन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। मूलतः बात यह है कि ना तो इनके पास नेता है, ना इनके पास नीति है और ना इनकी नीयत साफ है। इन्होंने किसान को धोखा दिया, इन्होंने कन्यादान का पैसा खा गए, इन्होंने बच्चों की फीस भरना बंद की, जो मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों का संबल था वो संबल योजना बंद कर दी। अरे अंत्येष्टि के पैसे आपने नहीं दिए, गर्भावस्था में जो पैसा मिलना था आपने वो पैसे नहीं दिए, आप किस मुंह से जनता में जाएंगे? और इसीलिए इनके 22 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, उसके पीछे का कारण ये है। ये कहते हैं कि पद के मोह में गए, पद के मोह में नहीं गए हैं श्रीमान जी, ये हिंदुस्तान के 75 साल की बात, 73 साल की राजनीति। बहुत सारी बात है लोया जी, आपने कह दिया है, ब्रजेश जी को मौका भी तो दें, अब ब्रजेश जी को मौका दें बोलने का, क्या कहेंगे ब्रजेश जी? यह उपचुनाव की स्थिति आपकी वजह से ही बनी, कोरोना का समय है, उपचुनाव जैसे हालात नहीं होने चाहिए, पर जो वजह थी वो आपकी सरकार गिरने से बनी। इसके अलावा और जो चीजें उन्होंने कही कि राज्यसभा की सीट पर आप पहली सीट पे अहमियत किसको दे रहे हैं, दूसरा दूसरी सीट के लिए बस आपके पास 40 सीटें, अगर आप जोड़ भी लेते हैं तो 40 सीटें 40 विधायक वोटिंग करेंगे, दूसरी सीट आपके खेमे में नहीं आने वाली। और उम्मीदवारों के चेहरे पर भी तस्वीर कुछ कांग्रेस की तरफ से साफ नहीं हो पा रही है, आपके पास कोई चेहरा नहीं है इन सीटों पर उतारने के लिए। दरअसल डॉक्टर साहब आपको मैं क्या बताऊं, मुझको तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, मैंने बड़ा विद्वान प्रवक्ता मानता था, इनकी बात सुनकर के ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बदलापुर और बेसरमी की पराकाष्ठा पा रही है। आपने किस तरह से कांग्रेस पार्टी के एक गुट को तोड़ करके राज के अधियारे में उधार के सिंदूर की तरह मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का चीरहरण किया, पहली बात। दूसरी बात, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, शर्म आनी चाहिए आपको ब्रजगोपाल लोया जी, आप एक महत्वपूर्ण टीवी चैनल के डिबेट में बैठे हुए हैं और आप जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं आंकड़े आपके कपोल कल्पित हैं, इस तरह की जिंदगी में मत दिया करिए। राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, राजनीति में बहुत सारी प्रायिकताएं होती है, देयर इज अ नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज,
इसलिए आप इस तरह की कोई भी बातें न करें टीवी चैनल के डिबेट में बैठ करके। राजनीति में हर बात की संभावना होती है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नरेंद्र मोदी जी के आदेश की अवहेलना करके मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की हत्या करके आनंद फानन में चोरी सी सरकार बनाई, ये सारी चीजें सामने आ गई है। इसकी कोई हमारी तैयारी उन 24 सीटों पर जबरदस्त तरीके से है। आज इस प्रदेश के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, जनता जनार्दन समझ रही है कि हमको वोट किसको करना है। एक उस व्यक्ति को जिसने लोकतंत्र के पेट में खंजर भोंका तात्कालिक लाभ के लिए, क्या किसी चीज की कोई कमी थी? हमारे कांग्रेस पार्टी में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश के ये तो मुद्दे हो गए ब्रजेश जी, ये मुद्दे हो गए। हम चेहरे और उम्मीदवारों की बात कर रहे थे कि आपकी क्या तैयारी है। ग्वालियर चंबल की अगर बात करें, वहाँ एक बड़ी चुनौती बीजेपी भी के भी सामने है, और आप अभी किसी तरह का कोई चेहरा साफ नहीं हो पाया है कि मुद्दे तो आपके पास हैं, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई, इस तरह की चीज़ें हुई, मुद्दे हैं आपके पास, जनता के बीच में आप जाएंगे, लेकिन चेहरे किसको लेकर कौन जाएगा जनता के बीच? कांग्रेस पार्टी के पास मध्य प्रदेश के अंदर माननीय श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे 24 विधानसभा में हमने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर साहब अगर कहीं पर है तो लोया जी की पार्टी में है। वहां पर सुभाष भगत जी इनके प्रदेश के महासंगठन महामंत्री प्रभारी ने बैठक में कहा इस बात को लेकर के कि मध्य प्रदेश में इस बार वो 22 चेहरे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं जिन पर जनता ने भरोसा जताया था, और उनने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को वहाँ की जनता ने चुनाव में जिताया था। कांग्रेस पार्टी कभी भी जनता कभी भी जयचंदों को विभीषणों को नहीं सत्ता के सिंहासन में बिठा देती है। चले लोया जी, कितने चुनौती देखते हैं ग्वालियर चंबल सीटों पर जब हम देखते हैं। और मैम जी, अनूपपुर मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, अनूपपुर क्षेत्र में या इंदौर क्षेत्र में सिंधिया जी का कौन सा प्रभाव है? वहाँ भी चुनाव होने हैं। सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें हैं और वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जनता ने चुन करके जो है विधायक बनाया था लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, इसलिए हमारे पास प्रत्याशियों को कहीं कोई टोटा नहीं है। टोटा जो है वो इनके यहाँ अंतरकला इनके यहाँ, क्योंकि वहाँ के सीटिंग एमएलए जो है इस बार इनसे इस बात को लेकर के द्वंद कर रहे हैं, चाहे वो दीपक ज्योति की हो चाहे और स्थानीय नेता है, कि साहब ये तो हमारा हक मारने के लिए आ गए हैं, हमारी कुंडली खराब करने के लिए आए, हमारी पत्रिका खराब करने के लिए। लोया जी से समझ लेते हैं, लोया जी टोटा चेहरों का आपके यहाँ है, अंतरकला की बात कह रहे हैं कि आपके यहाँ विरोधाभास दिखाई दे रहा है लोगों के बीच में, चेहरों को लेकर भी अभी किसी तरह की कोई तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। देखिए नौजवान जी, एक बात मैं आपसे कहूँ, हमारा विधानसभा में चेहरा कौन सा होगा ये पार्टी की चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड तय करेगा, ये तय करना हम और आपका काम नहीं है। परंतु मैं दूसरी बात एक ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रबंधन का काम हम जिस दिन चुनाव समाप्त होता है उसके अगले दिन से प्रारंभ कर देते हैं। हम इन लोगों की तरह नहीं है कि चुनाव में एन वक्त पर जब आग लगती है तब कुआं खोदते हैं। हमारे यहाँ संगठन का सुदृढ़ीकरण एक नियमित प्रक्रिया है, जिस जो काम सतत चलता है। अभी वर्तमान में अगर हम 24 विधानसभाओं की बात करें, हमारे 24 विधानसभाओं के प्रभारी काम कर रहे हैं, उनके साथ सह प्रभारी काम कर रहे हैं, जिन जिनको जो दायित्व दिया है वो काम हो रहा है। प्रबंध समिति की बैठकें हो चुकी हैं और बैठकों के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया। हमारे लिए चुनाव प्रारंभ में हमें नहीं मालूम चुनाव कब होंगे, क्योंकि चुनाव एक दिन की बात नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का काम है कि केवल चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, हमारे यहाँ ये नहीं है। हम चुनाव में तो जीतेंगे ही, परंतु हमारी विचारधारा भी आगे बढ़ना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा। ये सब काम करना हमारे लिए सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। जहां तक मैं बात कर रहा था कि चुनाव किन मुद्दों पर होगा, चुनाव सरकार किस मुद्दे पर गिरी है, जो 22 विधायकों में आक्रोश था, माननीय सिंधिया जी का जो आक्रोश था वो किस बात को लेकर था कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, ये जो आक्रोश था वो सरकार के गिरने का कारण बना। हम कारण नहीं बने थे, हमने शुरू दिन भी कहा था, परंतु अब जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो आप देखिएगा ये इस आधार पर ये चर्चा करते हैं कि सिंधिया जी का क्या प्रभाव है कहां। अरे आप सिंधिया जी का प्रभाव आप सूरज के ऊपर धूल डालकर उसको धुंधला नहीं कर सकते उस प्रकाश को। और दुनिया में एक सिद्धांत है ब्रजेश जी कि
कर्म प्रधान विश्व कड़ी राखा जो जस करई सो तस फल चाखा। ये कमलनाथ जी की जो अहंकार की भाषा थी उसका परिणाम है कि आज सड़क पर आप हैं, और उसके कोई कारण है कि उनके उस अहंकार के कारण मध्य प्रदेश में 22 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव अगर हो रहा है तो उसके मूल में कमलनाथ जी का अहंकार है और राजा की छल की नीति है। और अब जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो सबको अपनी अपनी बातें समझ में आ रही है। कमलनाथ जी तो आपको मिल गया सरकार उनकी क्यों गिरी? कमलनाथ जी ने स्पष्ट ये कहा है कि दिग्विजय सिंह जी के विश्वास के कारण सरकार गिरी, और दिग्विजय सिंह जी ने जो धोखा कमलनाथ जी को दिया और जो अपमान सिंधिया जी का किया वो सरकार गिरने का कारण। चलिए, आपको तकलीफ इस बात की है कि दिग्विजय सिंह की वजह से सरकार गिर गई, या खुशी इस बात की है कि सत्ता आपके हाथ में आ गई? लोया जी, हमें खुशी नहीं है, देखिए नहीं, खुशी और दुख की बात नहीं है, खुशी और दुख नहीं है। जब मध्य प्रदेश संकट से गुजर रहा था उस दौरान हमारी ये जिम्मेवारी थी कि हम सकारात्मक राजनीतिक दल हैं, हम इस प्रदेश को नेतृत्व दें, नेतृत्वहीन न छोड़े और ऐसे लोगों के सुपुर्द ना कर दें जो लोग ना तो कोरोना के लिए कोई तैयारी कर रहे थे ना किसान के लिए कोई तैयारी कर रहे थे। 23 मार्च तक आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक कोरोना टेस्ट मध्य प्रदेश में नहीं हुआ करता था, एक बारदाना आपने नहीं खरीदा जिसकी 15 मार्च के समर्थन मूल्य की खरीदी होनी थी। आप मध्य प्रदेश के डीजीपी, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, इनको अदल बदल करने में लगे थे, आप अनैतिक नियुक्तियां करने में लगे थे, जो संवैधानिक संस्थाएं उनकी अनैतिक नियुक्तियां करने में लगे थे, इस काम में जो लोग लगे थे उनको हटा कर। चलिए, आ जाती हूँ ब्रजेश जी के पास। जिम्मेदारी थी जो हमने पूरी की। चलिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ लोया जी ने अपनी बात रखी है, पूरी चीजें साफ की है, पर समझना यही होगा कि जब हम चुनावी मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दे दोनों ही पार्टियों के पास हैं। लोकतंत्र की हत्या हुई, आप लेकर जाएंगे, उधर आपने जनता के साथ छल किया, या कमलनाथ जी ने अपने जो साथी थे उनके साथ वो साथ नहीं निभाया जो उनको उनका साथ देना चाहिए था, उनका काम करना चाहिए था, जिसके चलते सरकार उनकी गई। इसके अलावा अब अगर हम आगे चलते हैं तो चुनाव को लेकर आपकी किस तरह तैयारी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, बीजेपी भी इस बात को कहती रही है कि सोशल मीडिया के जरिए आप चुनाव लड़ेंगे, पहले भी जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो जनता के बीच में नहीं जाते थे, और अब उपचुनाव है या कोरोना जैसा संकट है मध्य प्रदेश में, कहीं कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी नहीं दिखाई देता है जनता के बीच में, और बस सोशल मीडिया के जरिए ही वो तैयारियों में जुटा है उपचुनाव को। ब्रजेश जी, सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी लोया जी, सबसे पहले मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर दूं कि शिव ही शंभुगन कर ही सिगारा, जरा मुकुट अही मोर सवारा। अरे आपको ये बात का ध्यान होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की आवाम इस बात को समझ चुकी है कि हम इन गद्दारों को, जिन्होंने इस प्रदेश के साथ, प्रदेश के गुणात्मक रूप से हो रहे विकास के पेट में खंजर फूका है, उनको हम किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात मैम जी, मैं आपके माध्यम से इनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या कहीं अगर है, अंतर कला कहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको इस बात का सबसे अधिक दिक्कत है कि वो समझ रही है, इसीलिए कांग्रेस के पक्ष में इस बार जनता जनार्दन डालेगी। लोया जी, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लें, और यही जनमानस की आवाज। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं लोया जी से। पूरी तरह आश्वस्त हैं ब्रजेश जी, 24 की 24 सीटें उनके ही पाले में आने वाली है। देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं, अहंकार की भाषा ठीक नहीं। ये अहंकार एक बार इनकी सरकार गिरा चुका, और हम आपसे फिर कह रहे हैं, हमें अपनी जनता पर भरोसा है, हमें अपने किए कामों पर भरोसा है। यदि मध्य प्रदेश में आज के 3 महीने पहले तक नुजहत जी केवल यह बातें हुआ करती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने सिर्फ 1.5 महीने में किसानों का 25,000 करोड़ का गेहूं खरीदा और उनके खाते में पैसे दिए, सरसों खरीदी, हमने चना खरीदा, हमने कभी पैसे का रोना नहीं रोया,
हमने उन गरीबों तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। हम अपने काम के विश्वास के आधार पर जनता में जाते हैं और जन सेवा हमारा अंतिम लक्ष्य है। सरकार होना न होना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु सरकार होती किस लिए? सरकार केवल इसलिए होती है कि हम आईफा अवार्ड कराएंगे, सरकार इसलिए होती है कि हम महिलाओं के लिए पृथक शराब दुकानें खुलवाएंगे। शिवराज सिंह चौहान जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के साथ मध्य प्रदेश की जनता 2018 में भी थी, आज भी है, और आने वाले 24 चुनाव में कांग्रेस को अपना जो वजूद है वो बचाने का संकट आने वाला है। इनको उम्मीदवार 24 मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, वो तो समय नहीं है फॉर्म भरने का, नहीं तो हो सकता है ये तीनों सीटें राज्यसभा की हार जाते, परंतु उस विषय में अपन नहीं जाना चाहते। कांग्रेस आज अस्तित्व की लड़ाई जीत रही है, आप अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करें बजाय सरकार बनाने की। चलिए बहुत शुक्रिया दोनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और दोनों ही पार्टियां आश्वस्त हैं, दम भर रही हैं, 24 सीटें अपने पाले में करने की बात कह रही हैं, पर किस वजह से उपचुनाव का मौका आया, क्यों कर उपचुनाव होने हैं ये जनता समझ रही है, देख रही है, किस पर जनता भरोसा जताएगी, किसको आगे रखेगी और कौन सत्ता पर आगे काबिज रहेगा या कौन सरकार बनाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर अपनी इस चर्चा को यहीं पर दूंगी विराम। देश और दुनिया की ताज़ा जानकारी आप देखते रहें डीएनएन पर, मुझे दीजिए इजाज़त।